उसका नंबर आया एक सौ सत्रह दिन हाँ तो हम एक सौ सत्रह दिन एज अ फैमिली ट्रैवल कर रहे थे तीन सौ पैंसठ दिनों में मतलब चार महीने हाँ चार महीने एंड एंड uh, ये इसलिए है क्योंकि एक तो uh, बच्चों का स्कूल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो बोलते हैं कि दो महीने पूरे समर हॉलीडेज एक महीना पूरा विंटर हॉलीडे ये आपका गारंटीड है ये आपको मिलता ही मिलता है एंड लिटरली ये होता है कि पहला दिन समर हॉलीडे का शुरू हुआ और निकल जाते हैं और ऑलमोस्ट आखिरी तक जहाँ जहाँ भी जाना चाहें कर सकते हैं एंड फिर छोटे छोटे हम लेते रहते हैं ब्रेक्स जहाँ भी होता है एक हफ्ते का उनका स्प्रिंग ब्रेक होता है ऑटम ब्रेक होता है एंड जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना तो आपकी पूरी जिंदगी जो है वो स्कूल कैलेंडर के हिसाब से ही चलती है आपके हिसाब से नहीं चलती है एंड वी हैव ट्रैवल फॉर हंड्रेड डेज तो जब एक दिन आप ट्रैवल करते हैं ना तो कोई पीक ऐसा नहीं होता है सब कुछ बहुत रिसेंटसी बायस हो जाता है बट दी द वन थिंग द वी लाइक इज़ वे नॉट लाइक अ टूरिस्ट फैमिली की no, यहाँ जाना यहाँ जाना यहाँ जाना यहाँ जाना, जाना सेल्फी खिंचाली mm. चेक हो गया चेक हो गया वी लाइक टू एब्जॉर्ब आयर सेल्स इन टू दी कल्चर ऑफ द प्लेस तो हम हैरीटेज वॉक्स बहुत लेते हैं वी लव हैरीटेज वॉक्स दिल्ली में भी हम हर वीकेंड एक हेरीटेज वॉक लेते हैं क्योंकि इतने सारे मोन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में एंड इतनी सारी हिस्ट्री है जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी उस शहर में रह कर भी नहीं जान पाए हैं जो अब जानने की कोशिश करते हैं एंड सो मच अबॉट वी रेड इन द बुक्स इज़ जस्ट लॉस्ट एंड वी आर ट्राइंग टू रिकवर दैट बैक तो हेरिटेज वॉक्स हम बहुत लेते हैं हम फूड कल्चरल टूर्स बहुत करते हैं म्यूज़ियम्स बहुत जाते हैं वहाँ जितने लोकल लोगों के साथ वक्त बिता सकते हैं बिताते हैं एंड वी लाइक ट्रैवलिंग एंड वॉकिंग इन अ सिटी एज अगेंस्ट बींग इन अ फैंसी प्लेस आईफल टावर के नीचे फ़ोटो खिंचा रहे हैं और फिर वो सेल्फी इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं रोल वैन आईम ट्रेवलिंग आई डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरीज तो लोगों को पता नहीं होता कि मैं ट्रैवल कर कॉन्शियस है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देर इज अर इज अ वेरी बिग एलिमेंट ऑफ वैलिडेशन दैट गेट्स रिमूव फ्रॉम वन लाइफ इफ़ दे ड्रॉप द नीड टू शेयर समथिंग पब्लिकली here's an example. बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं कोई गिटार सीख रहा है कोई डांस सीख रहा है कोई कोई स्पोर्ट्स सीख रहा है एंड आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि जब लोग सीख रहे होते हैं तब वो लोगों को अनाउंस करते हैं कि मैं ये सीख रहा हूँ ब्रो अभी तो तू सीख रहा है लेकिन अभी क्यों अनाउंस कर रहा है जब सीख के मजा आने लगेगा कुछ बन जाएगा या रियलाइज होगा कि वो मेरे लिए नहीं था तब डिक्लेयर कर वॉट इज द नीड फॉर डिक्लेयरिंग दैट यू लर्निंग समथिंग एंड आई ऑफन थिंक कि द नीड फॉर डिक्लेयरिंग कि आप कुछ सीख रहे हैं ओनली कम्स फ्रॉम नीड ऑफ वैलिडेशन कि मैं चाहता हूँ सामने वाले इंसान मेरी ये बात सुन के बोले यार रणवीर गिटार सीख रहा है तो रणवीर का स्टेटस एलिवेट हो गया है अरे अंकुर टेनिस सीख रहा है स्टेटस एलिवेट हो गया ये हमारे जहन में होता है एंड आई ऑफन से कि अगर मैं कुछ सीख रहा हूं विदाउट डिक्लेयरिंग इट टू द वर्ल्ड तब मैं वाकई में सीख रहा हूंगा क्योंकि देर इज नथिंग दैट आई एम डूइंग टू इम्प्रेस समबडी एल्स वो सिर्फ मेरी जर्नी है एंड वो पर्सनल इनवर्ड जर्नी है तो मैं अगर कुछ सीख रहा हूंगा और पूरी दुनिया को पता ही नहीं है किसी को कोई आइडिया नहीं है किसी को कोई सेंस ऑफ प्रोग्रेस नहीं है देन इट्स प्योर द सेम थिंग आई थिंक अबाउट ट्रेवल इज वेल कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं किसी को भी अपनी फ़ोटो खींच के नहीं भेज रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ देन आई एम जेनवनली ट्रैवलिंग फॉर द जॉय ऑफ ट्रैवलिंग वो सिर्फ़ मेरे ओन सेंसेस के लिए है दुनिया के लिए नहीं है तो मैं ना ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी फैंसी देश गया हुआ हूँ फैंसी बिजनेस क्लास ट्रैवल किया हूँ ये किया हूँ वो किया हूँ आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इट दैट्स द थिंग दैट आई टेल माई सेल्फ टू कन्विंस माई सेल्फ कुछ झूठ है कुछ सच है शायद पूरा ही झूठ पूरा ही सच है who one knows? लेकिन ये है कि एटलीस्ट आई एम एट पीस विद माई सेल्फ तो मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि होने के बाद ही बोलूँगा कि मैं गया था और उसके दौरान तो बिल्कुल भी नहीं कभी शेयर करूँगा आई थिंक जैसे मेरी एज बढ़ रही है मैं खुशी और शांति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस <laughs> दे रहा हूँ uh, मे बी बिकॉज वी हैव फिगर्ड आउट करियर एट दिस पॉइंट इसलिए इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे right. कि या जैसे पिछली बार हमने हैप्पीनेस की बात करी right. आ, अब मैं ट्रैवल के बारे में पूछ रहा हूँ <laughs> फिर भी अगर एक ऐसी जगह है विच यू हाईली रिकमेंड इन टर्म्स ऑफ अ प्लेस दैट चेंज यू नो प्रॉब्लम Um, क्योंकि हमने गोवा एक बहुत नॉन टूरिस्टी हाँ नॉन कमर्शलाइज वे से देखा है वन ऑफ़ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ अ गोवन तो मैं उसको पिछले बीस साल से जानता हूँ तो उसने मुझे गोवा बहुत अलग ढंग से दिखाया है गोवा मानसून में एक बहुत ही खूबसूरत अलग दुनिया बन जाती है तो वो हमने एक्सपीरियंस किया है कोई बीच नहीं जाना कोई पार्टी नहीं करनी है कहीं कुछ खाना नाना नहीं है वो सब एंड सेकेंड इज़ राजस्थान हमने राजस्थान बहुत बहुत डिस्कवर किया है बहुत अच्छे से इंजॉय किया है मल्टीपल प्लेसेस चाहे वो उदयपुर हो जहाँ हम बहुत बार जा चुके हैं जैसलमेर हो जोधपुर हो जयपुर भी हो रंथम हो ऑल ऑफ दोज देर इज सो मच ऑफ हिस्ट्री दर सो मच ऑफ कल्चर इन द प्लेस दैट वी रियली लाइक गोइंग देर इंटरनेशनली इटली वॉज अ फैसिनेटिंग रेवलेशन मुझे मुझे पता नहीं था कि एक जगह इतनी सुंदर हो सकती हैियली रियली रियली प्रिटी कहाँ गए था uh, हम ज़्यादा साउथ में गए थे तो हम नॉर्थ में नहीं रहे तो हम नेपल्स फ्लोरेंस द यूजल सस्पेक्ट्स फ्लोरेंस बहुत ही अच्छा लगा हमें बहुत ही पोएटिक सा टाउन है बहुत ही आर्टिस्टिक टाउन है एक सुकून सा है वहाँ उस उस जगह में एंड अगेन दो मच ऑफ हिस्ट्री एंड यू रियलाइज़ कि इतने सारे छोटी सी जगह से आए हैं hmm. uh, कोई भी ऐसा देश है जहां मैं रह सकता हूँ लेकिन पहली बार पहली बार hmm. जिंदगी में ऐसा लगा कि अगर जबरदस्ती कहीं भारत से बाहर रहना पड़े तो ऑस्ट्रेलिया विल बी द्लेस मुझे feel एग्जैक्ट really? से यार ये जगह बहुत ज़्यादा लिवेबल है बहुत है आ, लोग अच्छे है, हार्ड वर्किंग है आ, आपको भी उन्हें देखकर मोटिवेशन फील होती है लाइक आई मैम लंच ब्रेक में लोग जॉगिंग के लिए चले जाते <laughs> कैसा देश है एग्जैक्टली exactly. ऑस्ट्रेलिया में जाकर हार्डवर्क उनके हार्डवर्क के बारे में पता चलता है फिर सम, समझ में आता है कि उनकी क्रिकेट टीम ऐसे क्यों है क्यों है, क्यूं है? आ, पर बहुत सुंदर देश है आई फील कि बहुत अमेरिका की पॉजिटिव चीजें उस देश में है hmm. और अमेरिका की नेगेटिव चीजें उस, उस देश, देश में देश नहीं है सो वेल पुट बिकॉज़ एग्जैक्टली द फीलिंग डेवलप्ड देश है बट फिर भी फैमिली ओरिएंटेड है hmm. सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन तब भी देर इज दिस फीलिंग ऑफ बींग वेलकम्ड लोग बहुत ऐसा होता था कि नो you ऑस्ट्रेलिया know, बहुत रेसिस्ट है और ज्यादातर हिंदुस्तानियों की तरफ ये सब वगैरह है बट डेंट फील दैट एट ऑल ऑफ़ कोर्स हम बहुत ही कम समय के थे तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरा एक्सपीरियंस या अनुभव था मैं सो इन्वाइटिंग एंड आउटडोर सबसे बेस्ट चीज़ थी तो हम वी आर अ वेरी आउटडोर लाइक तो नो धूप निकल रही है एंड लोग समर में जा रहे हैं माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले बीच चले जाते हैं स्विम के लिए एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक इतनी क्या जबरदस्ती है लेकिन इट्स जस्ट इन देयर ब्लड दैट्स हाउ दे थिंिंक वो इतने फिजिकली एक्टिव हैं एज अ कम्युनिटी स्विमिंग इज़ लाइक दिस मैंडेट हर स्कूल में स्विमिंग क्लासेस हैं मैंडेट्री है एवरीबडी नोज़ हाउ टू स्विम इट्स अ लाइफ स्किल एंड एंड देन ऑफकोर्स नो वंडर कि वहाँ से सबसे बेस्ट स्विमर्स निकल के आ रहे हैं ऑफ़ ओलंपिक स्टैंडर्ड्स स्पोर्ट्स इज सच अ वे ऑफ लाइफ स्टडीज़ इज़ अ वे ऑफ लाइफ वहाँ स्कूल में वी हैव फ्रेंड्स स्टे देयर एज नाउ कारपेंट्री इज़ अ सब्जेक्ट इन स्कूल निटिंग इज़ अ सब्जेक्ट इन स्कूल ये रोटेशन पे होता है एंड कार मकैनिक्स सीख पाना क्योंकि कोर्स इट्स एन एक्सपेंसिव प्लेस तो वहाँ लोगों को हायर करना बहुत मुश्किल होता है तो सब चीज़ें खुद ही करते हैं जो कि यू में भी होता है बट इज़ दिस लवली फैमिली फील कि मम्मी पापा सब बैठ के कारपेंट्री में कुछ नो बक्सा बना रहे हैं या कोई टूल बॉक्स कर रहे हैं इट्स इट्स वेरी लवली वैन यू सी दैट वे वो एक इकलौता देश था जहाँ मुझे लगा कि लौटना नहीं है <laughs>

ऑजीज uh, बहुत ज्यादा चिल होते हैं yeah. जितने मेरे दोस्त हैं जो वहां रहते हैं वो कहते हैं कि इनमें स्पिरिचुअलिटी कम है वो sure. एक शायद एक नेगेटिव चीज है और अगर किसी देश में स्पिरिचुअलिटी कम होती है तो अक्सर कॉन्वर्सेशन भी इतने डीप नहीं होते, होते पर आई थिंक इट्स अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन तो आई डोंट नो आई डोंट नो द ट्रूथ इज अबाउट स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया पर एक एस्पिरेशन बन चुकी है कि ये एक अच्छा प्लान भी हो सकता है <laughs> लाइफ के लिए पर प्लान है अभी सोशल मीडिया है यू हर्ड इट फर्स्ट मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ